Honorable LOP. Honorable LOP. Honorable Vice Chairman Saab, I'm sorry ki main is session ka zyada hissa attend nahi kar paya Jammu Kashmir ke election ki wajah se. Lekin ye religious conversion ka issue ab sirf parliament ke andar nahi balki Hindustan ke gaon gaon mein pahunch gaya hai. और मैं रात को पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर जिसमें अमेरिका को कोट किया गया है स्पोक्स पर्सन को कि दे आर वाचिंग दिस रिलीजियस कन्वर्शन वेरी कीनली. उसका मतलब है कि ये भारत की सीमाओं के बाहर अब अमेरिका तक इशू पहुंचा है. रिलीजियस कन्वर्शन कोई पहली दफा नहीं हुई, दुनिया भर से जब से दुनिया बनती है तब से होती. लेकिन प्लीज, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी, अरे बाप, प्लीज प्लीज आई विल हैंडल दिस, प्लीज, अपनी विल से अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे है. लेकिन लालच से, जबरदस्ती, चाहे वो पैसे की लालच हो, वो राशन कार्ड की लालच हो, वो बीपीएल कार्ड की लालच हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनलॉफुल भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है और अनएथिकल भी है. ये तमाम चीजें जब कोई व्यक्ति करे तो हमारे भारत की ताकत, ये 125 करोड़ की जो ताकत है, वो सभी समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मत, इसकी ताकत. माननीय, हमें खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं उनका स्वागत होता, लेकिन ये स्वागत तभी होता कि वो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर को, हिंदुस्तान के मल्टी रिलीजियस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके उनकी वो इज्जत और आदर होती है. कुछ अरसे के लिए उन पर वो संदेह थे, तब लोगों ने वो इज्जत नहीं दी, आप भी जानते हैं. लेकिन जब से उन्होंने ये एक्वायर किया कि मैं सभी समुदायों का, सभी धर्मों का हूं रिप्रेजेंटेटिव, तब उन्हीं देशों में जो 12-13 साल उनको आने नहीं देते थे, उन्होंने आज स्वागत किया. तो उसका मतलब है उनका स्वागत इसलिए हो रहा है कि वो पूरे भारत के हर एक रिलीजन को एक्सेप्टेबल है. आज अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट्स ये धर्म परिवर्तन के लिए ल्योरमेंट करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म है. तो इसकी कौन, इसका कौन इस देश को कौन विश्वास दिलाएगा? माननीय गृह मंत्री का हम आदर करते हैं, माननीय लीडर ऑफ हाउस का हम आदर करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहां मैंने उनकी तकरीबन 6 महीने के जब भाषण सुने थे बड़े तरीके से, उन्होंने अपने ही लिए वोट मांगा, उन्होंने पार्टी के लिए भी वोट नहीं मांगा. एक जगह उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे ताकत. अरे मैंने आपसे ज्यादा भाषण सुने. अरे माननीय प्रधानमंत्री का आदर करता हूं, अपने लिए वोट मांगना कोई डेरोगेटरी नहीं है. कोई अपने लिए वोट मांगना कोई एंटी नेशनल और कोई जुर्म बात नहीं है. मैं खाली ये बताना चाहता था, ये मैं आगे अगर शब्द आप सुनते तो आपको शायद संतुष्ट होते. मैं इसलिए कहता हूं कि उन्होंने ही दर्द दिया है, उन्हीं को ही दवा देना होगी, क्योंकि उन्होंने ही भारत की जनता को कहा है कि मैं आंसरेबल हूं, मैं आंसरेबल हूं, मुझे ताकत दे दो, मुझे शक्ति दे दो.
तो आज वो वोट लेने के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आंसरेबल हूं, और जब आंसर देना हो तो फिर दूसरा आदमी दे दे। अब उन्हीं को आंसर देना होगा, उन्हीं को विश्वास देना होगा भारत की जनता को कि मैंने आपका वोट प्राप्त किया है और मैं ही इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन को ये विश्वास देता हूं कि मेरी प्रधानमंत्री में तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा रिलीजन सुरक्षित है। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री भारत की जनता को ये आश्वासन नहीं दिलाते हैं थ्रू सदन, और हम माननीय प्रधानमंत्री का आदर करते हैं, हम किसी कोचे और चौराहे पे खड़ा होकर टूल पर और मेज पर नहीं कह रहे हैं कि वो माफी मांगे या जवाब दें। हम ये चुना हुआ सदन, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी है, उसमें रिक्वेस्ट करते हैं। ये उनका घर है, ये प्रधानमंत्री का घर है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस सदन की इज्जत करना, आदर करना सीखें। अगर कांग्रेस के किसी लीडर का वो मिसाल नहीं लेना चाहिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो एक आदर्श थे, जो इस सदन की इज्जत करते थे, इस सदन की भी और उसी सदन की, पार्लियामेंट के आना, अपने कुलीग्स को आश्वासन दिलाना, मैं नहीं समझता हूं कि ये डिसरेस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर की। ये मैं एक दूसरी और लास्ट में बताना चाहूंगा, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और माननीय प्रधानमंत्री की जो उनका स्टेचर बना है उसके लिए भी ये जरूरी अनिवार्य है। इसका प्रधानमंत्री को ज्यादा फायदा होगा, हमें नहीं होगा, वरना जितनी चुप्पी साधेंगे उतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी का समर्थन लोगों को दिखाई देगा इस विषय में। इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री और इस सरकार के हित में जाता है कि वो इसका समाधान निकाले और भारत की जनता को आश्वासन दिलाएं कि हम सब उनका धर्म और रिलीजन प्रोटेक्ट है और ये सरकार उनको प्रोटेक्ट करेगी। यही मेरा तुम बोलोगे?